फ्रेंड्स, अभी इस आने वाले वीडियो में हम लोग वर्ल्ड के टू मोस्ट पॉपुलर वर्किंग डॉग्स यानी कि जर्मन शेफर्ड और बेल्जियन मेलानोय के बारे में जानने वाले हैं, और आगे वीडियो में आप देखेंगे कि ये दोनों ब्रीड एक साथ एक दूसरे को कैसे कम्पीट करेंगे, और उससे हम लोग जानेंगे कि इन दोनों में से बढ़िया डॉग ब्रीड कौन सा है। तो फ्रेंड्स, इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जानते हैं लाइफ स्पैन यानी कि जीवन काल के बारे में। तो फ्रेंड्स, जर्मन शेफर्ड का एवरेज लाइफ स्पैन 9 to 13 ईयर्स तक रहता है, पर अगर आप इसे ठीक से डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज करवाते हैं तो 12 to 14 ईयर्स ये जी सकते हैं। वहीं इसके कंपेयर में बेल्जियन मेलानोय का एवरेज लाइफ स्पैन 12 to 15 ईयर्स तक रहता है। तो यहाँ पर हमारा विनर है बेल्जियन मेलानोय। हाइट यानी कि ऊंचाई, तो फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो जर्मन शेफर्ड और बेल्जियन मेलानोय का हाइट ऑलमोस्ट सेम होता है, यानी कि 55 to 66 सेंटीमीटर तक इनकी हाइट होती है। तो यहाँ पर दोनों ही विनर हैं। वेट यानी कि वजन, तो फ्रेंड्स एक एडल्ट जर्मन शेफर्ड का वेट 22 to 40 केजी तक हो सकता है, वहीं इसके कंपेयर में बेल्जियन मेलानोय का वेट इससे थोड़ा कम होता है। एक एडल्ट बेल्जियन मेलानोय का वेट 22 केजी से 35 केजी तक जा सकता है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो जर्मन शेफर्ड विनर हुआ। हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, तो फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो दोनों ही एक हेल्दी डॉग ब्रीड्स हैं, पर अगर आप इसे अच्छे ब्रीडर से नहीं लेते हैं तो यूजुअली जर्मन शेफर्ड में हिप डिस्प्लेसिया की एक बीमारी होती है जो कि ओल्ड एज होने पे आपको फेस करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे दोनों को एक एक पॉइंट्स जाते हैं। गार्डिंग नेचर यानी कि रखवाली, तो फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो ये दोनों ही डॉग ब्रीड वर्ल्ड में अपने गार्डिंग नेचर के लिए जाने जाते हैं, और अगर आप घर के लिए आप कोई डॉग रखने की सोच रहे हैं गार्डिंग पर्पज़ के लिए, रखवाली के लिए, तो दोनों ही डॉग एक वर्ल्ड के सबसे बेस्ट गार्ड डॉग हैं। तो दोनों को यहाँ एक एक पॉइंट जाता है। अफेक्शनेट विद फैमिली यानी कि परिवार से लगाओ, तो फ्रेंड्स जहाँ तक जर्मन शेफर्ड की बात है यह अपने फैमिली मेंबर के साथ बहुत ही लगाव और बहुत ही प्रेम से रहता है। तो अगर यानी आपके घर में छोटे बच्चे हैं या बड़े या बूढ़े आदमी भी हैं तो यह जर्मन शेफर्ड बहुत ही लाड़ और प्यार से रहता है। और जहाँ तक बेल्जियन मेलानोय की बात है यह भी एक काफ़ी अफेक्शनेट डॉग है और आपके फैमिली के साथ बहुत प्यार से रहता है। तो यहाँ पे दोनों को एक एक पॉइंट जाता है। इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान, तो फ्रेंड्स जहाँ तक जर्मन शेफर्ड की बात है यह वर्ल्ड का थर्ड मोस्ट इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है और इन्हें कोई भी ट्रिक काफ़ी आसानी से सिखाया जाता है। और जहाँ तक गार्डिंग नेचर की बात है इन्हें तो सिखाना ही नहीं पड़ता, ये इनके खून में होता है। सेम चीज़ आपके बेल्जियन मेलानोय के बारे में है, ऑल्दो यह उतना स्मार्ट नहीं है लेकिन जर्मन शेफर्ड से भी कम नहीं है। दोनों ही एक काफ़ी इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड्स हैं। तो यहाँ पे दोनों को एक एक पॉइंट जाता है। किड्स फ्रेंडली, जर्मन शेफर्ड एक बहुत ही चाइल्ड फ्रेंडली डॉग होता है और काफ़ी हद तक टॉलरेंस होता है, और आपके बच्चों के साथ कभी भी उसे आप अकेला छोड़ सकते हैं, जबकि बेल्जियन मेलानोय को बच्चों के साथ ही उन्हें रेस करना पड़ता है, उन्हें काफ़ी ट्रेनिंग देना पड़ता है। वो भी बच्चों के साथ काफ़ी अफेक्शनेट होते हैं बट एज कम्पेयर टू जर्मन शेफर्ड वे थोड़े कम अफेक्शनेट होते हैं। तो यहाँ पॉइंट जाता है हमारे जर्मन शेफर्ड को। पेट फ्रेंडली, तो फ्रेंड्स दोनों ही डॉग ब्रीड जर्मन शेफर्ड और बेल्जियन मेलानोय एक गार्डिंग नेचर के डॉग हैं, इसलिए यूजुअली ये दूसरे पेट के अगेंस्ट थोड़े एग्रेसिव होते हैं, इसलिए इन्हें बचपन से ही ट्रेनिंग देना काफ़ी आवश्यक है। तो यहाँ पे दोनों को 1-1 पॉइंट्स मिलेगा। प्राइस यानी कि दाम, तो फ्रेंड क्योंकि जर्मन शेफर्ड एक वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड में आता है इसलिए इनके हर जगह ब्रीडर आपको इंडिया में मिल जाएंगे। एक KCI रजिस्टर्ड जर्मन शेफर्ड का प्राइस ₹20,000 से लेके 40-45,000 तक जा सकता है। वहीं एक बेल्जियन मेलानोय जिसके कि ब्रीडर काफ़ी कम है इंडिया में इसलिए इनका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, और इनका मिनिमम प्राइस ₹50,000-60,000 से लेकर के 1,00,000 तक जा सकता है। तो फ्रेंड यह हमारा विनर हुआ जर्मन शेफर्ड क्योंकि प्राइस इसका कम है। एनर्जी लेवल, दोनों ही डॉग ब्रीड्स में काफ़ी एनर्जी होती है लेकिन एज कम्पेयर टू जर्मन शेफर्ड बेल्जियन मेलानोय एक काफ़ी एक्टिव डॉग होता है,
इसलिए अगर आप बेल्जियन मेलानवा पालने की सोच रहे हैं तो आपको मान के चलिए कि आपको डेली बेसिस पे मिनिमम 30 मिनट्स टू 1 आवर उसके पीछे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उनको एक्सरसाइज करवाना पड़ेगा या उनको खिलाना पड़ेगा। वहीं जर्मन शेफर्ड के साथ अगर आप 30 मिनट्स भी उनको आप वॉक पे ले जाते हैं या खिला देते हैं तो वो दिन भर आराम से घर पे बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे बेल्जियन मेलानवा एक काफ़ी एक्टिव डॉग ब्रीड है, इसलिए इन्हें एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। स्पेस यानी कि जगह। जर्मन शेफर्ड एक ऐसा डॉग ब्रीड है जो आपके साथ 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK फ्लैट में रह सकता है, या अगर आपके पास छोटा घर भी है और थोड़ी सी आगे या पीछे में बैकयार्ड स्पेस है तो भी यह आसानी से रह सकता है। वहीं इसके वनस्पत बेल्जियन मेलानवा एक काफ़ी एक्टिव डॉग ब्रीड है, इसलिए इन्हें काफ़ी स्पेस की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए अगर आपके पास बड़ा घर हो, आगे और पीछे काफ़ी स्पेस हो, तो ही आप बेल्जियन मेलानवा को पालें। अदरवाइज अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो यह बिग नो है, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। तो यहाँ पॉइंट जाता है जर्मन शेफर्ड को। फर्स्ट टाइम ऑनर। फ्रेंड्स, डॉग एक काफ़ी सेंसिटिव, इंडिपेंडेंट और काफ़ी इंटेलिजेंट डॉग होते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इन्हें रखने की सोच रहे हैं तो शायद यह फर्स्ट टाइम ऑनर के लिए थोड़ा टफ हो सकता है, चाहे आप जर्मन शेफर्ड पालने की सोच रहे हो या फिर बेल्जियन मेलानवा के बारे में। तो मैं तो इसे बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा फर्स्ट टाइम ऑनर के लिए। ट्रेनिंग। किसी भी डॉग को पालने के लिए एक ट्रेनिंग काफ़ी मस्ट है, और खासकर जब आप ऐसे डॉग ब्रीड पालने जा रहे हो जो कि वर्ल्ड के सबसे टॉप मोस्ट इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड में काउंट होते हैं। तो अगर आप जर्मन शेफर्ड या बेल्जियन मेलानवा पालने की सोच रहे हैं तो आपको जानकर यह खुशी होगी कि दोनों ही काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं और काफ़ी आसानी से घर पे ही काफ़ी सारे कमांड सीख जाते हैं, जैसे सिट, स्टे, अलर्ट, बार्क, रोल ओवर, ऐसे कई सारे ट्रिक्स हैं जो कि दोनों आसानी से सीख सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो इन दोनों ब्रीड को ट्रेनिंग देना काफ़ी ईजी है, इसलिए दोनों को 1 and 1 point मिलेगा। बार्किंग यानी कि भौंकना। कोई भी डॉग तभी भौंकता है जब उन्हें अपने ऑनर का अटेंशन चाहिए होता है, और यहाँ पे दोनों ही डॉग ब्रीड एक काफ़ी बढ़िया वॉच डॉग और गार्ड डॉग हैं, इसलिए ये कम ही भौंकते हैं। लेकिन बेल्जियन मेलानवा अपने ऑनर का अटेंशन पाने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा भौंकते हैं एज कम्पेयर टू जर्मन शेफर्ड। वहीं जर्मन शेफर्ड बिना मतलब के बिल्कुल नहीं भौंकते हैं, जब तक कोई स्ट्रेंजर नहीं आएगा वो बिल्कुल नहीं भौंकते हैं, वो आराम से बैठे रहते हैं, इसलिए यहाँ पॉइंट मिलेगा जर्मन शेफर्ड को। वेदर रेसिस्टेंस यानी कि मौसम प्रतिरोधक क्षमता। तो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो जर्मन शेफर्ड इंडिया में काफ़ी आसानी से अडेप्ट कर सकता है, क्योंकि इनके बाल काफ़ी डेंस होते हैं तो ठंड के मौसम में तो ये आसानी से रह सकते हैं, लेकिन गर्मी में थोड़ा सा इनको एडजस्ट करना पड़ता है। वहीं आपके बेल्जियन मेलानवा में एक इनका जो कोट होता है वो आसानी से उनको ठंड में बचा सकता है, और गर्मी के समय इनका कोट पतला होता है तो काफ़ी हद तक एक कूलिंग सिस्टम के जैसा काम करता है, यानी कि ये गर्म के मौसम में आसानी से रह सकते हैं। तो यहाँ पॉइंट मिलेगा हमारे बेल्जियन मेलानवा को। रिजल्ट। तो फ्रेंड्स, अब परिणाम आपके सामने है, दोनों ही काफ़ी अच्छे डॉग ब्रीड हैं, लेकिन यहाँ पे विनर हमारे साथ है जर्मन शेफर्ड। अब मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको कौन सा डॉग अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको यहाँ दी हुई जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।